वी हैव टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। अगर आपको फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली गिवन है तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? बोरोइंग लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो आर यू गिवन नेट बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट हियर? सो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? नेट बोरोइंग्स विच इज इक्वल टू 780। बेटे फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स माइनस कर दो आ जाता है। जैसे मैंने अगर आपकी क्लास में से फिजिकल एडुकेशन के स्टूडेंट्स देखने हैं तो दो तरीके हैं। मैं सिर्फ ये बोलूं फिजिकल स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स, ठीक है? तो अगर फिजिकल एडुकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो आई विल आस्क देम टू रेज देयर हैंड्स। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट ऑल ऑफ देम तो फिर मैं क्या बोलूंगी, अच्छा टोटल स्टूडेंट्स मेरी क्लास में से 50 हैं, कंप्यूटर स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स, लेट अस से दे आर 14, मैथ स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स, दैट इज 20। तो मैं 50 में से इनका सम टोटल माइनस कर दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा? फिजिकल एडुकेशन के स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मेरे पास फिजिकल एडुकेशन के स्टूडेंट्स पता है मुझे तो डू आई नीड टू गो थ्रू ऑल दिस? नो। सो हेयर ऑल्सो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। सो बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू सो दिस इज योर फिस्कल डेफिसिट। क्लियर है बच्चे? वेरी सिंपल, ठीक है? आगे चलते हैं। यू आर टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। यू आर गिवन कैपिटल रिसीट्स 68 बिलियन रुपीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 160, इंटरेस्ट पेमेंट्स रुपीज 20, बोरोइंग्स 32, टैक्स रेवेन्यू 50, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10। Note it down, Ansh. Note down the question. Ankit, have you noted down? Sure. ठीक है बच्चे, क्या कैलकुलेट करना है हमें? फिस्कल डेफिसिट। Here also, फिस्कल डेफिसिट is directly given in the form of borrowings. So very simple, फिस्कल डेफिसिट is equal to borrowings, which is equal to rupees 32 billion. So in case students are not attentive in the class, okay, they will be foregoing their marks. When the direct information is given, you are given direct information, you are asked fiscal deficit. Fiscal deficit is amongst these. लेकिन जो बच्चे अब क्लास में नहीं सुन रहे उनको कैसे पता चलेगा फिस्कल डेफिसिट क्या है, कितना है? जिसको पता ही नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर होता है, वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट, यू आर टू कैलकुलेट थ्री थिंग्स। वन इज रेवेन्यू रिसीट्स, अनदर इज फिस्कल डेफिसिट, एंड थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। हाँ जी, रेवेन्यू रिसीट्स कैलकुलेट करनी है, प्राइमरी deficit. This is the information you are given. Capital expenditure, again in rupees crore, 1,35,000 crore. Revenue expenditure, 1,20,000. Revenue deficit, 1,12,000. non debt creating capital receipts 1,25,000, interest payments 17,000, recovery of loan
40,000। पहले सम को समझो, हमेशा क्वेश्चन को समझना होता है। आपको एमसीक्यूज भी आने हैं, आपके पास डेढ़ घंटे का टाइम है जिसमें आपने यहाँ 40 एमसीक्यूज करने हैं, तो बहुत माइन्यूटली क्वेश्चन को 2-3 बारी पढ़ना होता है, ठीक है। सी, यू आर गिवन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन है, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। What is non-debt creating capital receipt? Anyone? Non-debt creating capital receipts. Capital receipts तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी? Recovery of loan, disinvestment, borrowings. Borrowings create debt. So borrowing is a debt creating capital receipt. These are both non-debt creating capital receipt, and you are also given recovery of loan. It is a part of non-debt creating capital receipt, isn't it? देखो, ये दोनों non-debt creating है ना। उसने आपको बताया अगर let us say recovery of loan 40,000 है, ठीक है, non-debt creating जो है that is 85,000। डिसइन्वेस्टमेंट 85,000 है, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कितनी हो गई? 1,25,000। और रिकवरी ऑफ लोन अलग से दिया हुआ है, इसको अलग से ऐड करेंगे तो ओवर हो जाएगा ना, डबल हो जाएगी काउंटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? सो विच मीन्स दिस इज ऑफ नो रेलिवेंस, दिस इज अ सुपरफ्लूअस आइटम, इसकी हमें यहां पर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट दो तरह की होती हैं, वो ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, कहेगा ये दोनों कैपिटल रिसीट्स हैं, राइट? तो क्या समझा, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है नॉन डेट। मोहित, व्हाट्स रॉन्ग बेटे? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्या कैलकुलेट करना है हमें? रेवेन्यू रिसीट्स। हमें रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? 1,20,000। एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सॉरी, 1,12,000 है ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,20,000। So revenue receipts इधर ले आओ, माइनस की प्लस हो गई, ये इधर जाके माइनस हो जाएगी। 1,20,000 में से 1,12,000 गए, 8,000 रुपीस, 8,000 करोड़। सॉरी, एक मिनट, रेवेन्यू डेफिसिट, एक मिनट, 1,00,000 रेवेन्यू रिसीट्स, जस्ट वेट। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी हुई? 8,000। हमारी रिसीट्स थी सिर्फ 8,000, हमारा खर्चा था 1,20,000, तो इसीलिए हमारा डेफिसिट कितना हो गया? 1,12,000। हमें क्या फाइंड आउट करना था? रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड, हमें क्या कैलकुलेट करना है? फिस्कल डेफिसिट। अब देखो, सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट गिवन है, बोरोइंग्स गिवन है कहीं? अगर बोरोइंग गिवन होती तो हम डायरेक्टली लिख देते, लेकिन नहीं गिवन, तो अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है हमारा? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है यहाँ पे कहीं? इस टोटल एक्सपेंडिचर गिवन बेटे, कहाँ गिवन है? तो हम क्या लिख लेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें से हमें क्या माइनस करना है? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। तो देखो, रेवेन्यू रिसीट्स नहीं गिवन, यहां पे फाइंड आउट की, तो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स
बोरोइंग को छोड़ के, बोरोइंग को छोड़ के दो कौन सी होती है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। रिकवरी ऑफ लोन लेंगे क्यों नहीं लेंगे? ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स फॉर्मूला बन गया आपका। तो फिजिकल डेफिसिट फाइंड आउट कर लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटे 1,20,000, रेवेन्यू रिसीट्स 8,000, ठीक है, सॉरी एक मिनट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,20,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,35,000, ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें से क्या माइनस करेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स जो कि कितनी फाइंड आउट की थी, 8,000 प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स विच आर 1,25,000। सो फाइंड आउट द आंसर, ये हो गया 2,55,000, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो कितना आया, 1,00,000, देखो यही आ रहा है। What are others doing? Why not doing the calculations? 1,22,000. One lakh, ये तो वैसे ही माइनस हो गया ना, 5,000 और 30 में से, अच्छा 8, ठीक है, चलो आ गया आपका आंसर, फिल इन कर लो। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैं इधर सॉल्व कर रही हूं। प्राइमरी डेफिसिट, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कितना आया था फिस्कल डेफिसिट हमारा? 1,22,000, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो which is 17,000, so 1,05,000 crore is your primary deficit, ठीक है, चले आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटे? पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। बेटे हेयर इज द क्वेश्चन, यू आर गिवन अ बजट, उसके आपको कंपोनेंट्स गिवन है, तो ध्यान से देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स आपको गिवन है इसके। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? रेवेन्यू रिसीट्स गिवन है। रेवेन्यू रिसीट्स किसका टोटल है? सेकंड और थर्ड आइटम का, ठीक है। सेकंड और थर्ड आइटम क्या है? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली टैक्स प्लस नॉन टैक्स गिव अस टोटल रेवेन्यू रिसीट, इन दोनों का टोटल रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद आपको गिवन है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के कंपोनेंट्स आगे गिवन है, रिकवरीज ऑफ लोन, अदर रिसीट्स, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। तो इन तीनों का टोटल कैपिटल रिसीट्स। अब टोटल रिसीट्स क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट्स, that is first item, plus capital receipts, that is fourth item, ठीक है, यानी आपकी पूरी budgetary receipts कितनी हो गई? 7,50,884, right? Expenditure देखते हैं, यहाँ पे expenditure classify की है plan and non-plan में, तो non-plan expenditure on revenue account, यानी रेवेन्यू नेचर का कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 4,48,352। इंटरेस्ट सेपरेटली गिवन है, वैसे ये किसका पार्ट होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का।
इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस एंड सैलरीज, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो एक तो उन्होंने टोटल बता दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक कंपोनेंट जो कि इंटरेस्ट होता है वो बता दिया, फिर बताया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट. तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर टोटल कितना हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 10 + 12. इसको प्लस इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा. इंटरेस्ट पेमेंट इसका पार्ट है. उसके बाद प्लान एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट इतना है, ऑन कैपिटल अकाउंट इतना है. समझ रहे हो बात बेटे? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ऑन रेवेन्यू अकाउंट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दो हिस्से कर दिए ना, इतना प्लैंड है और इतना नॉन प्लैंड है. दोनों का टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा. क्लियर? शैल आई एक्सप्लेन अगेन? बेटे ये जो उन्होंने कहा है, इस तरह से नहीं दिया कि इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर. उन्होंने बताया इतना प्लान एक्सपेंडिचर इतना नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. लेकिन डेफिसिट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहा और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा. तो उसने आगे कंपोनेंट्स दे दिए कि जो हमने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किया है उसमें से रेवेन्यू अकाउंट का इतना था, कैपिटल अकाउंट का इतना था. तो जो हमने प्लान एक्सपेंडिचर किया है उसमें से रेवेन्यू नेचर का इतना था, कैपिटल नेचर का इतना था. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज दी 10 + 14. दिस वुड गिव यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है 12 + 15. क्लियर? उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो 9 + 13 है. 9 क्या है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. 13 क्या है? प्लान एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं. इन दोनों को ऐड कर दो. फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बता ही दिया 10 + रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? 10 + 14 रेवेन्यू नेचर का. कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 + 15, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो गया. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट. सो हेयर आई एम नोटिंग डाउन फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. सो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये टोटल गिवन है आपको, गिवन है ना? कितना? रेवेन्यू रिसीट्स ये गिवन है, माइनस कर दो 602935, आपके पास आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट 55184. ठीक है, आगे देखिए. अब क्या फाइंड आउट करना है? फिस्कल डेफिसिट. डू वी नीड टू अप्लाई एनी फॉर्मूला? व्हाई नॉट? यू आर गिवन बोरोइंग. बोरोइंग इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट. सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग लायबिलिटी व्हिच इज इक्वल टू ₹1,33,287. देन प्राइमरी डेफिसिट व्हिच इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिसिट कितना है? 1,33,287. इंटरेस्ट पेमेंट्स 190807. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 57520. सी द सोल्यूशन वॉज सो सिंपल. एफर्ट तो क्वेश्चन में लिखने में मैम को लगा, सोल्यूशन तो वैसे ही फाइंड आउट हुई. सो कई बार बच्चे क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं. वॉज देयर एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड? नो, इट वॉज सो सिंपल. यू वर गिवन एवरीथिंग, यू जस्ट हैड टू नोट इट डाउन. क्लियर? So anyone having any doubt this side?
Now I am noting down the another question. Kare next. Rub kar du bete. Next question. Calculate revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit. Tino deficits find out karne. You are given revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts, capital expenditure, recoveries of loan and other receipts. Recovery of loan and other receipts. Yane recovery of loan or disinvestment ikattha given hai. Non-debt creating hai na ye. 240. Borrowings and other liabilities. 1084. Interest payments 1020. Saransh, be attentive. बेटे अगर मैंने इतने सेम क्वेश्चंस में रिपीटेडली करा रही हूं, अगर सॉल्व नहीं हो रहे ना तो समथिंग इज रॉन्ग. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिर फिस्कल डेफिसिट. बोरोइंग्स के बराबर कुछ भी नहीं किया, नोट डाउन ही किया. तीसरा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. गॉट इट?